नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में और मैं कमल। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता सज्जाद पूनावाला जी हैं। सज्जाद पूनावाला जी, दिल्ली में लगातार और व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान है। देखिए, ये केवल और केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि केजरीवाल जी को दिल्ली से अब कोई लगाम नहीं था। उनका राजनीतिक मकसद पूरा हो चुका है, तो केजरीवाल जी अब दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ कर कभी पंजाब में, कभी उत्तराखंड, कभी गोवा चले जाते हैं। वहाँ की हवा भी उनको ज़्यादा पसंद है और वहाँ यहाँ पर जो कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उसमें केजरीवाल जी को ना उनकी सरकार को कोई इंटरेस्ट रहा, इसीलिए वो निकल जाते हैं और दिल्ली को अपने हाल पर छोड़ दिया। अगर उनको थोड़ी भी चिंता होती तो पहले से 11,000 बसेस लाते, ताकि जब 50% पर बसेस को चलना है तो यहाँ के आम नागरिक को परेशानी नहीं होती। अगर यहाँ की चिंता होती तो पहले से जो व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए स्पेशल पैकेज तैयार करते, उनको रेंट की मदद करते, उनको उनके जो कामगार हैं उनके लिए मदद देते। पिछली बार भी नहीं दिया, आज फिक्स चार्जेस भी उनको भरने पड़ गए, उसको भी नहीं वेव ऑफ किया। तो इस प्रकार से ना दिल्ली के लोगों की, ना दिल्ली के व्यापारियों की, ना दिल्ली के किसी भी व्यक्ति से अरविंद केजरीवाल को कोई लेना देना अब बचा। पूनावाला जी, कल हमारी टीम ने लोगों से बात किया, बस स्टॉप पर महिलाएं काफ़ी परेशान थी, कोई एक घंटे से इंतज़ार कर रहा था, कोई दो घंटे से इंतज़ार कर रहा था। उनकी ये मांग कि DTC बस में मतदाओं को क्योंकि मुफ्त में अभी सफर हो रहा है तो तवज्जो नहीं दिया जाता है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, सरकार बसों की संख्या बहुत बढ़ा रही है। मुफ्त में केवल केजरीवाल जी आज कोरोना बांट रहे हैं, मुफ्त में और कुछ नहीं मिल रहा है। ये बाकी जो भी चीज़ें बोला था कि मुफ्त में देंगे, महिलाओं को मुफ्त में सफ़र कराएंगे, आज सफ़र नहीं हो रहा है। SUFER सफ़र हो रहे हैं लोग। सफ़र इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 11,000 बसेस, ये वादा किया था ना केजरीवाल ने, 11,000 बसेस होती आज दिल्ली की सड़कों पर तो ना प्रदूषण होता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होता। और अगर ये बसेस होती तो आज अगर 50% भी आपने बसेस की संख्या, सीटिंग की संख्या कर दी थी, तो पर्याप्त मात्रा में दिल्ली की जनता को सफ़र करने के लिए बसेस होती, ना कि सफ़र करने के लिए उनको लाइनों में रुकना पड़ता। आखिरी सवाल है कि बीजेपी लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही है और कह रही है कि केजरीवाल जो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने चर्चा की है, लेकिन अभी तक इस पर कदम नहीं उठा है। बीजेपी का अगला कदम क्या है और बीजेपी दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम आम से आम आदमी को और छोटी से छोटी सभा को पूछ कर हम फैसले करते हैं, तो पहले तो ये दिखाता है कि केजरीवाल जी जितना अपने आप को लोकतांत्रिक प्रस्तुत करते हैं, वो एक तानाशाही मानसिकता के साथ काम करते हैं। इसीलिए जो अच्छे सुझाव, अगर दिल्ली भाजपा के अच्छे सुझाव वो पहले दिन से अपनाते तो आज ये समस्या आती ही नहीं। आज दिल्ली नंबर वन ओमिक्रॉन में होता ही नहीं, क्योंकि दिल्ली भाजपा ने लगातार सजाव और सजेशंस दिए थे। और इसीलिए हम ऑल पार्टी मीटिंग की भी मांग कर रहे हैं, ताकि हमें एक रोड मैप देने का मौका मिले कि दिल्ली की जनता को, दिल्ली को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। परंतु दिक्कत ये है कि देखिए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनको ओमिक्रॉन के आंकड़े नहीं पता। हेल्थ मिनिस्टर इज़ क्लूलेस, दिल्ली CM इज़ होपलेस, एंड दिल्ली हैज़ बिकम डायरेक्शन। शराब के ठेके खुले हुए हैं, बाकी चीज़ें बंद हैं, मुख्यमंत्री जी चुनावी दौरे पर। मुझे लगता है कि लोग अब सोशल मीडिया पे कह रहे लगातार कि दारू ऑन और जिम ऑफ, हेल्थ ऑफ, ये नया मॉडल लगता है केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सज्जाद पूनावाला जी, जो बता रहे थे कि केजरीवाल सरकार जो है वो दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी समाधान नहीं कर रही है, खुद चुनावी दौरे पर है, शराब के ठेके खुले हुए हैं और बाकी जरूरी चीज़ों की दुकानें बंद हैं, जिससे व्यापारी वर्ग परेशान हैं। और इन्होंने मांग किया है कि केजरीवाल को तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और कोरोना पर काबू पाने के लिए आगे का एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। कैमरा पर्सन सनस के साथ 10 मिनट।